horse power 4 pi by 8 horse ki power 4 5 pi by 8 horse ki power 4 3 pi by 8 horse ki power 4 7 pi by 8 equal to 3 by 2. और इसी क्वेश्चन में अगर सब जगह साइन ले लेंगे तो भी यही आंसर आएगा. तो एक में कराऊंगा, एक तो में करना है. तो सेवेंथ का प्रूफ बता देते हैं. cos की पावर 5 by 8 प्लस सबसे पहले इसमें एक काम करो कि इसका और इसका सम 180 है और इसका उसका, तो इन दोनों में से हम एक एक को चेंज कर लेंगे. ऐसे देखो, इस 3 pi/8 को हम लिख सकते हैं, नहीं इस 5 को लिख लेते हैं. इस 5 को लिख लो पाई माइनस 3 pi/8 लिख सकते हैं ना. ऐसे इस 7 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8. क्या फायदा होगा देखो, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन पावर 4 है इसलिए प्लस ही हो जाएगा. तो जाएगा 4 3 पाई बाई 8. ऐसे ही हो जाएगा cos पाई बाई 8. आगे समझ में, कैसे हमने चार टर्म को दो में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये पाई बाई 8 और ये पाई बाई 8 टू टाइम्स हो गया. ऐसे ये टू टाइम्स हो गए. तो अगले स्टेप में करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो. तो मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, देखो आगे. तो कितना आ गया था ये हमारा, ट्वाइस ऑफ cos टू द पावर 4 3 पाई बाय 8. टू कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8. यहां पर पाई बाय 8 का तुम लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर. फॉर्मूला याद करो, 2 cos स्क्वायर a होता है 1 प्लस cos 2a, यानी cos स्क्वायर a हो गया 1 प्लस cos 2a अपॉन 2. तो ये कितना हो गया, 1 प्लस cos 2a मतलब 2 पाई बाई 8 अपॉन 2. 1 प्लस cos 2a upon 2 का होल स्क्वायर.
ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया 1 प्लस 4 पाई बाई 4, 1 प्लस 4 3 पाई बाई 4। तो 1 बाई 2 कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। कोस 3 पाई बाई 4, कोस 3 पाई बाई 4 की हम क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालेंगे तो ये होती है 1 बाई रूट 2 माइनस में। बस होल स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कट गया, अंदर आ गया 3 अपॉन 2 आंसर, सही है।